हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी और मैं हूं अंजलि। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास से रिलेटेड एक टॉपिक शैव भागवत धर्म से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। बाय द वे, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज के टॉपिक पे पहला क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख का क्या नाम था? सबसे पहले हम थोड़ा शैव भागवत धर्म पर बात कर लेते हैं। शैव धर्म भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म है और शैव धर्म जो है वह शिव भगवान शिव से संबंधित है, और जो भागवत धर्म है यह श्री कृष्ण से संबंधित है, और भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का उदय हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, शैव धर्म शिव धर्म से संबंधित, शिव भगवान से संबंधित है, और जो भागवत धर्म है वो श्री कृष्ण से संबंधित है, और यही आगे चलकर वैष्णव धर्म में बदल जाता है। तो अब पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख का क्या नाम था? तो यह पहला अभिलेख था जो कि विदिशा में स्थापित किया गया था, यह है गरुड़ स्तंभ। यवन राजदूत हेलियोडोरस ने, यवन राजदूत हेलियोडोरस ने इसकी स्थापना करवाई थी। हेलियोडोरस ने इसकी स्थापना करवाई थी। साथ ही साथ इस स्तंभ में हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है, हेलियोडोरस को भागवत तथा जो भागवत है उनको देवताओं का देवता यानी जो वासुदेव है, यहाँ कहने का मतलब था जो भगवान वासुदेव हैं उनको देवताओं का देवता कहा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना किसने की थी? तो यह गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, और इसका उल्लेख मेहरौली स्तंभ में मिलता है। मेहरौली स्तंभ जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है, ये आपको दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मिलेगा मेहरौली स्तंभ। और विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना किसने कराई? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाई थी, जो कि एक गुप्त वंशी शासक है। गुप्त वंश के बारे में बात करें तो इन ये जो वंश रहा है इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था। गुप्त वंश में वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बनाया था। साथ ही साथ जो अधिकांश गुप्त शासक थे उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? परम भागवत की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश के शासकों के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? तो यह परम भागवत थी। और जैसा कि बताया कि जो वैष्णव धर्म है इनका राजधर्म था। विष्णु का जो वाहन होता है गरुड़, वह गुप्त शासकों का राजचिन्ह था। गरुड़ जो कि विष्णु जी का वाहन होता है वो इनका राजचिन्ह था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो यह स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, जो कि गाजीपुर में स्थित है। विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का वर्णन कहाँ पर मिलता है? यह स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। स्कंदगुप्त के बारे में बात की जाए तो इसके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह थी हूणों की पराजय। हूण जो कि काफ़ी खूंखार योद्धा थे और इन्होंने काफ़ी मारकाट मचा रखी थी, और विश्व में दूसरे दूसरे स्थानों पर आक्रमण के बाद अब यह भारत पर आक्रमण करना चाह रहे थे, और इन्होंने गांधार में प्रवेश किया। स्कंदगुप्त के साथ युद्ध में इनकी भीषण पराजय हुई थी, और यह स्कंदगुप्त के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दशावतार चरित की रचना किसने की थी? तो दशावतार चरित की रचना क्षेमेंद्र ने की थी। किसने की थी? क्षेमेंद्र ने की थी। अब बात आती है दशावतार की। तो
तो दशावतार में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। जो यह दशावतार ग्रंथ है इसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ हम अगर जो विष्णु जी के मंदिरों की बात करें तो इसमें राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। एलोरा में जो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक थे, इन्होंने एलोरा में हमें दशावतार मंदिर मिलता है जिसकी स्थापना दंती दुर्ग ने करवाई थी, क्योंकि एक राष्ट्रकूट शासक थे। इसके सिवा कई सारे जो वैष्णो धर्म से संबंधित मंदिर हैं उनकी स्थापना की गई थी और अलग अलग स्थानों पर ये काफ़ी फेमस मंदिर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो नैनार संतों की संख्या 63 थी। दो तरह के संत हमें मिलेंगे, एक नैनार और दूसरे अलवार। तो यहाँ पर नैनार संतों की संख्या पूछी जा रही है जो कि 63 थी। नैनार संतों के बारे में बात करें तो जैसे कि इस पर बताया गया है इनकी संख्या 63 और अलवार जो अलवार संत थे उनकी संख्या 12 थी। नैनार संत जो कि इन्होंने बेसिकली नैनार संतों ने जो चोल शासक होते हैं दक्षिण भारत में, जो चोल शासक थे ये शिव भक्त थे, और जो नैनार संत थे इनमें अपार तिरुज्ञान सुंदर मूर्ति ये कुछ नैनार संत थे। और जो ये चोल शासकों का शासन काल रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि शिव भक्त थे, इनमें से कुलोत्तुंग था जो कि कट्टर शैव था। साथ ही साथ नैनार संतों में इन्होंने जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में इन्होंने किया था। और इसके सिवा जो ये शैव धर्म से संबंधित जो ज्योतिर्लिंग है, ये टोटल भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग आपको भारत में मिलेंगे शैव धर्म से संबंधित। इनमें से कुछ हैं जैसे कि भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग आपको काशी में मिलेगा, काशी। इसके सिवा महाकालेश्वर उज्जैन में आपको ज्योतिर्लिंग मिलेगा। इसके सिवा ओमकारेश्वर में, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आता है, ओमकारेश्वर में भी आपको ज्योतिर्लिंग मिलेगा। इसके सिवा सोमनाथ गुजरात में आपको शैव धर्म से संबंधित ज्योतिर्लिंग मिलेंगे, यानी शिव जी से संबंधित ज्योतिर्लिंग मिलेंगे। ये मैंने कुछ ज्योतिर्लिंग्स के आपको एग्जांपल दिए हैं। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलीश ने की थी। ध्यान रखिएगा, पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलीश ने की थी। लकुलीश को शिव का अवतार मानते थे, लकुलीश को शिव का अवतार माना जाता था। साथ ही साथ वामन पुराण में शैव संप्रदाय की जो संख्या बताई गई है वो 4 थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शैव संप्रदाय की संख्या कितनी थी? तो यह 4 थी। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यह हमें वामन पुराण से मिलती है। ये जो 4 संप्रदाय थे ये थे, पहला हो गया इसमें शैव, दूसरा पाशुपत, तीसरा कापालिक, और चौथा जो शैव संप्रदाय था वह था कालामुख। ये 4 संप्रदाय जो थे वो शैव संप्रदाय की संख्या थी। ये 4 संप्रदाय शैव धर्म में आते थे। इसके सिवा
जैसे कि इस क्वेश्चन में बताया गया कि पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, लकुलिश ने की थी। इसी तरीके से जो कापालिक संप्रदाय है उसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानते थे, जो कापालिक उपासक थे वो भैरव को शिव का अवतार मानते थे, भैरव को शिव का अवतार मानते थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण किसने कराया था? तो उदयगिरी पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण, शैव धर्म से संबंधित गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये वीरसेन ने करवाया था। इसके सिवा इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात की जाए तो शैव धर्म, जैसे कि मैंने बताया कि ये टोटल चार संप्रदाय में बटा हुआ था, तो गुप्तकाल में गुप्तकाल के जो और भी मंदिर बनवाए गए थे उनमें था नचना कुठार जो कि मध्य प्रदेश में आता है, यहाँ पर पार्वती मंदिर स्थापित किया गया था। साथ ही साथ जो भूमरा है, भूमरा में, ये भी मध्य प्रदेश में आता है, भूमरा में शिव मंदिर की स्थापना कराई गई थी, भूमरा में शिव मंदिर की स्थापना करवाई गई थी, और शैव गुफा का निर्माण वीरसेन ने करवाया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलवार संतों की संख्या कितनी थी? अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो यह टोटल 12 थी। अलवार का अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, और इनकी संख्या 12 थी। इनमें से कुछ जो अलवार संत है जैसे कि पे, ऊडम, पोईगई और आंडाल, आंडाल की बात की जाए तो आंडाल इसमें एक महिला साध्वी थी, आंडाल जो थी यह महिला साध्वी थी, महिला साध्वी, जो कि मैंने ऑलरेडी अगले क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि जो पहली बात तो ये कि आंडाल कौन थी, तो है एक अलवार संत थी, दूसरी चीज़ यह एक महिला साध्वी थी। तो अगले क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। इसके ये अगला क्वेश्चन है, न्याय तत्व की रचना किसने की थी? न्याय तत्व ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह नाथ मुनि ने की थी, यह एक आचार्य थे, यह एक आचार्य थे। वैष्णव धर्म, मतलब वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जैसे कि शुरुआत में इन संतों ने संभाल रखा था, नैनार संतों ने संभाल रखा था, इसके बाद ये जो वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार का जो जिम्मा था ये आचार्यों ने ले लिया, और इनमें से नाथ मुनि प्रथम आचार्य थे। यह नाथ मुनि जो थे यह मधुर कवि के शिष्य थे। इनके हम आचार्य की बात करें, नाथ मुनि के आचार्य की बात करें तो उनका नाम मधुर कवि था, ये मधुर कवि के शिष्य थे, और इन्होंने न्याय तत्व नाम की रचना की, न्याय तत्व की रचना की थी। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि न्याय तत्व की रचना किसने की थी, तो यह की थी नाथ मुनि। नाथ मुनि कैसे आचार्य थे? तो यह वैष्णव धर्म के आचार्य थे, ध्यान रखिएगा यह वैष्णव धर्म के आचार्य थे। तीसरी बात, ये किसके शिष्य थे? तो यह मधुर कवि के शिष्य थे, और जो भी वैष्णव धर्म के आचार्य हैं उनमें नाम आता है आपका रामानुज का, रामानुज भी वैष्णव धर्म से संबंधित थे। इसके सिवा वल्लभ हो गए, चैतन्य, ये सभी वैष्णव धर्म से संबंधित लोग थे, ज्ञानी व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कापालिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कापालिक संप्रदाय के संस्थापक भैरव थे, कापालिक संप्रदाय के संस्थापक भैरव थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि शैव संप्रदाय की जो संख्या बताई गई है वह 4 थी,
संप्रदाय को चार भागों में बांटा गया था, जो कि कौन से थे? शैव, पाशुपत, कापालिक, कालामुख। ध्यान रखना है, शैव, पाशुपत, कापालिक, कालामुख। इसमें से जो कापालिक संप्रदाय है उसके संस्थापक भैरव थे। भैरव को शिव का अवतार माना जाता था। इसके सिवा इसके बारे में अगर बात की जाए तो बेसिकली जो भवभूति की मालती माधव रचना है, भवभूति की एक रचना है मालती माधव, मालती माधव में जो श्रीशैल नाम की जगह है, श्रीशैल नाम की एक जगह है, श्रीशैल को कापालिकों का प्रमुख स्थान बताया गया है। कापालिकों का प्रमुख स्थान क्या है? श्रीशैल। ये किस में बताया गया है? या भवभूति की रचना मालती माधव में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, कापालिकों का प्रमुख स्थान कौन सा है? श्रीशैल। यह किस रचना में बताया गया है? तो यह भवभूति की मालती माधव रचना में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दक्षिण भारत का संप्रदाय है लिंगायत संप्रदाय, इसके जो संस्थापक थे वो वसव थे। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वसव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति का उल्लेख हमें चक्रपालित, जो कि जूनागढ़ में स्थित है, हमको यहाँ से पता चलता है। चक्रपालित बेसिकली शासक का नाम है। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। चक्रपालित शासक का नाम है और जूनागढ़ में जो जूनागढ़ में यह शिलालेख स्थापित है, जिसमें कि हमको सुदर्शन झील के निकट विष्णु की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख मिलता है। चक्रपालित ने ही विष्णु की मूर्ति की स्थापना करवाई थी, कहाँ पर? जूनागढ़ में। और यह अभिलेख हमें कहाँ पर मिलेगा? जूनागढ़ में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संजन लेक का संबंध किससे है? तो संजन लेक का संबंध राष्ट्रकूट शासक अमोघवर से है। ध्यान रखिएगा, संजन लेक का संबंध किससे है? तो यह राष्ट्रकूट शासक थे अमोघवर, यह उनसे संबंधित लेख है। अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ की स्थापना किसने की थी? तो नाथ पंथ की स्थापना मच्छेंद्रनाथ ने की थी। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इस पे ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। तो नाथ पंथ की स्थापना को सीधे सीधे याद करना है कि नाथ पंथ की स्थापना किसने की थी, या आचार्य मच्छेंद्रनाथ ने की थी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने इतने क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।